इधर यमुनानगर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर शहर के कन्हैया साहिब चौक से पैदल रोष मार्च निकालकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और उपमंडल अधिकारी जगाधारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी शामिल रहे। सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये रहा कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिन से लगातार, आज 8वां दिन है, शहर में विकास कार्य नहीं होने और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ यहाँ धरना दिया जा रहा था। इसके लिए क्योंकि हमारे एक साथी पार्षद चेतन यादव पिछले 7 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहा, देवेंद्र सैनी पार्षद 3 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहा और कुछ पार्षद एक एक दिन के लिए भी हमारे भूख हड़ताल पर बैठते रहे। लेकिन कुछ हमने देखा कि 6 दिन के दौरान, पिछले 5 दिन जैसे हमारा धरना चला तो सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई हमारे कोई अधिकारी आए पूछने के लिए आप क्यों बैठे हो। लेकिन हमने एक फिर निर्णय किया कि शहर को बंद किया जाए 4 तारीख को। उसके लिए हमने पूरे शहर के सभी व्यापारीगरों की, सभी अपने समाज सेवी की, जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, सभी के बुलाकर यहाँ एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में तय हुआ कि 4 तारीख को हम पूरे शहर को बंद करेंगे। और बड़ा ऐतिहासिक रहा, उसके लिए मैं सभी शहरवासियों का, व्यापारीगण का, सभी सामाजिक राजनीतिक या जो भी सभी जो लोग हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस चीज़ में और पूरा शहर का ऐतिहासिक बना। इससे पहले शायद कभी ऐसा बंद नहीं रहा। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जब 2 तारीख को जब मीटिंग हुई शाम और